हेलो नमस्कार दोस्तों। देखिए इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि अगर हमारी फ्रेट कलेक्ट शिपमेंट होती है तो हम लोगों को कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब एक्सपोर्टर को कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं और बायर को कौन कौन से चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। और अगर आपने अभी तक फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज नहीं किया, डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल करके फ्रेट फॉरवर्डिंग कोर्स परचेज कर सकते हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन आप सीख सकते हैं। और अगर आपको गल्फ कंट्रीज के लिए आपको फ्रेट चाहिए, आपको कोई कंटेनर है एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप मेरे से डेस्कटॉप पर जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल कर सकते हैं। पर्सनल मेरा नंबर है, आप बेझिझक आप कॉल कीजिए। आपको फ्रेट्स अगर आपको चाहिए गल्फ कंट्रीज के लिए या नवरोसिस के लिए या सेंट पीटरबर्ग के लिए, इंडिया से किसी भी पोर्ट से अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो मेरे को डेस्कटॉप पे जो नंबर देख रहे हो उस पर कॉल कीजिए। आपको बहुत ही अच्छा फ्रेट आपको निकाल के दूंगा, रेट मैच करा के दूंगा ताकि आप मेरे साथ बिजनेस कर पाए। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ फ्रेट कलेक्ट शिपमेंट क्या होती है। मैं सिर्फ फ्रेट कलेक्ट के बारे में बात करूंगा और बाकी हम लोग टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो क्योंकि क्या होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है और चीज़ें समझ नहीं आ पाती हैं, तो अब मैंने क्या डिसाइड किया कि छोटे छोटे पार्ट्स के हिसाब से हमें वीडियो बनानी चाहिए और छोटी वीडियो बनानी चाहिए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो और अच्छे से समझ भी पाए। तो देखिए हमारी जो शिपमेंट जानी है हमारी नवाशिवा से, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम लोग नवाशिवा पोर्ट से, नवरोसिस के लिए। ठीक है, और ये है फ्रेट कलेक्ट शिपमेंट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा जो हमारे यहाँ पे चार्जेस लगते हैं जैसे ओशन फ्रेट टीएससी बीएल फीस। टीएससी मतलब हो गया आपका टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस, मैं आपको बताऊंगा ये चार्जेस कहाँ कहाँ लगते हैं। बीएल फीस, ठीक है, ये हो गया आपका सील फीस, इसके अलावा आपका हो गया एमयूसी चार्जेस। ठीक है, ये जो चार्जेस होते हैं स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं। जब हम लोग शिपमेंट नवाशिवा से या फिर किसी भी सी पोर्ट से, हम लोग इंडियन सी पोर्ट से हम लोग किसी अदर कंट्री के लिए शिपमेंट कर रहे हैं तो ये जो पार्ट होता है यहाँ का ये बाय सी का होता है। ठीक है, ये होता है हमारा ओशियर फ्रेट। ठीक है, और यहाँ पे जो चार्जेस लगेगा आपका टीएससी बीएल फीस सील और एमयूसी चार्जेस, ठीक है, वो आपका यहाँ से यहाँ तक लग जाता है, यहाँ तक की। ठीक है, नवासिवा पोर्ट तक की। इसके बाद का जो चार्जेस लगता है यहाँ पे ओशन फ्रेट, और फिर यहाँ पे लगता है आपका लोकल चार्जेस, लोकल चार्जेस। ठीक है, लोकल चार्जेस आपका होता है यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ का जो लोकल चार्जेस होता है इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे लोकल चार्जेस। ठीक है, ये ओशन फ्रेट नहीं, सिर्फ ये टीएससी से लेके यहाँ तक ये आपका लोकल चार्जेस है यहाँ पे पोर्ट ऑफ लोडिंग का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका जो चार्जेस लगेगा नवरोसिस्क में डिलीवरी ऑर्डर चार्जेस डीओ चार्जेस जिसे बोलते हैं, और इसका अलावा क्लीनिंग चार्जेस भी लगता है। ठीक है, जो भी अलग अलग शिपिंग लाइन है उनके हिसाब से ये जो चार्जेस होते हैं स्टैंडर्ड चार्जेस होते हैं। ठीक है, डीओ चार्जेस क्लीनिंग चार्जेस इसके अलावा और भी जो चार्जेस होते हैं डेस्टिनेशन के हिसाब से वो। ठीक है, अब बात आती है फ्रेट कलेक्ट। हम लोग अभी जो वीडियो बना रहे हैं सिर्फ फ्रेट कलेक्ट के ऊपर बना रहे हैं, तो देखिए यहाँ का लोकल चार्जेस और यहाँ का लोकल चार्जेस। ठीक है, यहाँ का जो लोकल चार्जेस है ये वाला, ठीक है, नवासेवा से पहले का टीएससी बीएल सील एमयूसी, ठीक है, मैंडेटरी यूजेज चार्जेस को बोलते हैं। यहाँ का जो चार्जेस है वो एक्सपोर्टर पे करेगा, यहाँ का जो चार्जेस है वो बायर पे करेगा। ठीक है, अब रही बात ओशन फ्रेट की। ठीक है, जब फ्रेट कलेक्ट है तो क्या करेगा, जहाँ का जो शिपिंग लाइन है, ठीक है, नवरोसिस्क पे जो जिससे डीओ लेगा बायर, उससे ये जो ओशन फ्रेट चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा, मतलब किसे, बायर को पे करना पड़ेगा शिपिंग लाइन को, क्योंकि फ्रेट कलेक्ट है मतलब फ्रेट कलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये का जो चार्जेस है इसका, ये बाय सी जो जा रहा है इसे हम लोग ओशन फ्रेट बोलते हैं, ये चार्जेस है आपका डेस्टिनेशन पे होगा, कौन करेगा, बायर। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा क्योंकि
क्योंकि बाद में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसके अलावा आपका क्या क्या कमेंट है, क्या क्या क्वेश्चन है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताते रहिए, मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा। तो ये अगर आपको टॉपिक अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो जरूर लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, और छोटी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो भी आप मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।